भारत ने कनाडा के खिलाफ सबसे खतरनाक कूटनीतिक मिसाइल दाग दी है। भारत और कनाडा के बीच दुश्मनी चरम पर पहुंच गई है। इस जंग की शुरुआत तो कनाडा ने की थी, लेकिन इसका अंत भारत करेगा। मोदी सरकार ने फैसला किया है कि जस्टिन ट्रूडो के बेबुनियाद आरोपों का जवाब निंदा या बयान से नहीं बल्कि ताबड़तोड़ एक्शन से दिया जाएगा, और अब इसी के चलते भारत ने कनाडा पर बड़ा हमला कर दिया है। भारत सरकार ने कनाडा को दुनिया के सामने बेइज्जत करते हुए कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवाएं सस्पेंड कर दी हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि कनाडा के नागरिक फिलहाल भारत में नहीं आ सकेंगे। भारत सरकार के इस एक फैसले से कनाडा को भारी नुकसान होगा। वैसे आपको बता दें कि जानकारी तो यहाँ तक मिल रही है कि भारत सरकार एक लिस्ट तैयार कर रही है। इस लिस्ट के तहत खालिस्तानी समर्थक लोगों के PIO और OCI कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। अब भारत का गुस्सा देखिए कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कनाडा को आतंकियों का सेफ हेवन बोल दिया है। कनाडा पर ऐसा हमला शायद ही किसी देश ने किया होगा। वैसे आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मोदी सरकार ने हथौड़ा सिर्फ कनाडा पर ही नहीं चलाया है बल्कि ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका को भी मारा गया है। बस फर्क इतना है कि कनाडा को सड़क पर धोया गया है, तो वहीं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन को कमरे के अंदर चेतावनी दी गई है। भारत ने इशारा किया है कि अगर इन तीनों देशों ने भी खालिस्तानियों को नहीं रोका तो अपनी रक्षा के लिए भारत वो कदम उठाएगा जो उठाने चाहिए। इसी कड़ी में भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय काउंसिलेट पर हमला करने वाले 10 लोगों की जानकारी मांगी है। NIA ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में भी उन खालिस्तानियों को ढूंढ रही है जिन्होंने भारतीय काउंसिलेट पर हमला किया था। भारत जानता है कि हमाम में ये सभी देश एक जैसे ही हैं। अगर किसी ने भी खालिस्तानियों को पनाह देने की कोशिश की तो उन्हें जवाब दिया जाएगा। भारत जानता है कि अपनी जंग खुद ही लड़नी होगी।